डॉक्टर अखिल गोयल है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में गठिया रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस पर। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे हर वर्ष 20 अक्टूबर को ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम, निदान और उपचार की जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। देखा गया है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों में हर 3 महिलाओं में से एक महिला और हर 5 पुरुषों में से एक पुरुष को ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होने की संभावना होती है। इस बार की थीम है स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ, यानी हर किसी को अपनी मजबूत हड्डी रखने के लिए जागरूक होना जरूरी है। अब हम जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस का लिटरल मीनिंग ले तो बोलते हैं पोरस बोन, यानी खोखली हड्डी। उम्र के साथ कैल्शियम और वाइटामिन डी कम होने की वजह से हड्डी कमजोर हो जाती है, उसका बोन मास कम हो जाता है और एक तरह से वो खोखली हो जाती है। इसलिए जरा सी चोट लगने पे वह हड्डी टूट जाती है, इसी को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और देखा गया है कि विश्व में हर साल लगभग 8.9 मिलियन फ्रैक्चर होते हैं, यानी कि हर 3 सेकंड में एक फ्रैक्चर होना, जो कि ये दर्शाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। इसके बाद हम जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्यों है। ऑस्टियोपोरोसिस पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत आम है, ये लगभग महिलाओं में 4 गुना ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा अन्य रिस्क फैक्टर जो होते हैं वे है बढ़ती हुई उम्र यानी ओल्ड एज, धीरे धीरे हाइट कम होना, कोई अगर बहुत कमज़ोर है जिसको हम बोलते हैं लो बॉडी मास इंडेक्स, इसके अलावा गठिया रोग जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये दोनों गठिया रोग, इसके अलावा बाकी गठिया रोग भी ऑस्टियोपोरोसिस कराने में सक्षम है। इसके अलावा अन्य रोग जैसे कि डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म और अन्य दवाइयाँ जो थायराइड और शुगर की मेडिसिन को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ जो इस्तेमाल होती हैं और गठिया को कंट्रोल करने में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स, तो इन दवाइयों का अगर लंबा सेवन किया जाए विदाउट डॉक्टर सुपरविजन तो ये ऑस्टियोपोरोसिस करा सकता है। इसके अलावा किसी को परिवार में अगर कोई ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर की हिस्ट्री है तो वह भी एक ऑस्टियोपोरोसिस होने का कारण होता है। इसके अलावा हमारी जो जीवन शैली अगर सही नहीं होती, जैसे कि अधिक धूम्रपान और शराब का सेवन करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना और खाने में कैल्शियम और विटामिन डी का कम सेवन करना, ये सब कारणों की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण क्या होते हैं। देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक तरह से साइलेंट डिजीज होता है, यानी बहुत बार मरीजों को इनके सिम्टम नहीं पता लगते। सिम्टम जब भी पता लगता है कि जैसे अचानक से इनकी कोई हड्डी में कोई फ्रैक्चर हो जाए तो इनको कमर या जहाँ पे फ्रैक्चर हुए वहाँ पे दर्द हो, इसलिए इसको साइलेंट डिजीज बोलते हैं। इसके अन्य सिम्टम होते हैं कि हमारी कमर में आगे झुकाव आ जाना जिसे हम काइफोसिस बोलते हैं, धीरे धीरे हाइट कम हो जाना, कमर में या बाकी मांसपेशियों में दर्द होना, या ज़रा सी भी छींक से या खांसने से, देखा गया है कि बहुत बार ज़रा सी जो छींक या खांसने से भी हड्डी टूट जाती है जिसकी वजह से ये दर्द हो जाता है। तो ये सब लक्षण जो हैं ये ऑस्टियोपोरोसिस के होते हैं। अब इसको डायग्नोस कैसे किया जाए। ऑस्टियोपोरोसिस के डायग्नोसिस के लिए जैसे हमने बताया कि बहुत बार जब हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे में पता लगता है, और इसको बाकी जो जांच बोलते हैं डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन एक तरह से मान के चलिए बॉडी का सीटी स्कैन होता है, जिससे हम हिप्स यानी कूला और रीढ़ की हड्डी की बोन मिनरल डेंसिटी चेक करते हैं, जिसके बेसिस पर हम इन्हें ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस कर पाए। अब आखिर में जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इनका इलाज के लिए क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो इसके इससे रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी होता है हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी डाइट में आता है जिसको हम बोलते हैं बोन रिच डाइट, यानी कि खाने में प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स वाला खाना ज़्यादा होना चाहिए, साथ में विटामिन्स जैसे विटामिन डी, विटामिन के,
वैसा खाना ज्यादा होना चाहिए, दूध दही छाछ और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन ज़्यादा करना चाहिए जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी ज़्यादा होता है। इसके अलावा कैल्शियम के जो अन्य खाने के सोर्स हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स ये सब, इसमें भी कैल्शियम ज़्यादा होता है। दूसरा, हमें धूप का सेवन करना चाहिए। आजकल की जीवन शैली ऐसी है कि हम धूप में जाना बहुत कम हो गया है, तो धूप में जाने से जो विटामिन डी हमें मिलता है वो हमारी हड्डी को मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमें एक और चीज का जो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें इसमें फ्रैक्चर हो जाए, क्योंकि इसमें पता है कि ऑस्टियोपोरोसिस में फ्रैक्चर हो जाता है, तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली जब ओल्ड एज में, जब ओल्ड पीपल घर में अकेले होते हैं, तो जब वो बाथरूम जाए तो बाथरूम का जो स्विच हो वो बाहर हो ताकि वो फिसले ना और वो स्विच आराम से खोल पाए। इसके अलावा जो फर्श होता है वो सूखा रहे, वो गीला ना हो, या क्योंकि ज़रा सी भी फिसलने में हड्डी का फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ जाता है। और इसके अलावा ज़्यादा हमको उबड़ खाबड़ रोड पे ना चलें, क्योंकि इससे चोट खाने का रिस्क बढ़ जाता है। और इसके अलावा हमें घर पे ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट्स वाले चीज़ें जब हम चलें तो वो ज़्यादा आसपास ना हो, क्योंकि ज़रा सी चोट खाने में फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं आजकल, सबसे ज़रूरी है कि नॉर्मली देखिए डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी का खाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमें इसके सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स। इसके अलावा बाकी दवाइयाँ, जैसे कि हम बोलते हैं जिसको बोन रिमॉडलिंग मेडिसिन, मतलब जो हड्डी को टूटने से बचाए, वो है बिसफॉस्फोनेट, टेरीपाटाइड, डेनोसुमैब, ये कुछ नाम है इन आधुनिक दवाइयों के जो इनके इलाज में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने पहले बोली थी वो थी एक हेल्दी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वो भी रेजिस्टेंट एक्सरसाइज एंड वेट बेरिंग एक्सरसाइज, जिससे हमारे जोड़ और हमारी हड्डी मजबूत रहेगी। देखा यह भी गया है कि एक बार जब फ्रैक्चर हो जाए तो एक्सरसाइज जो कि टारगेटेड एक्सरसाइज हो, उससे एक मरीज का नॉर्मल चलना धीरे धीरे पॉसिबल हो पाता है। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे हम रूमेटोलॉजिस्ट हैं, तो कब मरीज को हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आना चाहिए। देखिए ऐसा है कि जैसे हमारे जो गठिया रोग होते हैं जिसमें जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसमें जो दवाइयाँ भी होती हैं उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो इसलिए हम ध्यान रखते हैं कि मरीजों के इलाज में हम कैल्शियम विटामिन डी शुरू में साथ में देते हैं। तो अगर आपको जो लक्षण अगर कुछ होते हैं जो हमने आपको बताए हैं, तो वो उसको अनदेखा ना करें, आप फौरन एक डॉक्टर को दिखाएं ताकि आपका ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस जल्द से जल्द हो पाए और इसका इलाज जल्द से जल्द हो पाए। क्योंकि देखिए ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट डिजीज़ है, और हम जिस तरह से देख रहे हैं कि 80% से ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर जो है वो अनडायग्नोज रहते हैं, क्योंकि बहुत बार उसमें सिम्टम ही नहीं होते। तो इस एक तरह से मैं बोलूँगा ऑस्टियोपोरोसिस की एपिडेमिक को आप हम सब मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं। तो सब लोग जागरूक रहें इस रोग के बारे में, और जितनी जल्दी हो अगर आपको सिम्टम होते हैं तो डॉक्टर को दिखाएं। थैंक यू।